हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी हम चल रहे हैं बनाने के लिए चोखा और चूल्हे पर की रोटी। वो भी मोटी मोटी चूल्हे पर की रोटी बनाएंगे और उसमें जो बनाएंगे हम चोखा, चोखा में जो आइटम डालेंगे हम सब भूज के डालेंगे, जैसे कि अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, आलू, टमाटर, बैंगन सब को हम भूजेंगे, वो भी कोयले की आग पे। तो चलते हैं, पूरा सेटअप लगाते हैं, फटाफट बनाते हैं सारा आइटम को आज, भूज के बनाएंगे, जबरदस्त बनाएंगे। तो चलते हैं फटाफट, दिखाते हैं आगे का आइटम। तो ये हम कोयले लगा दिए हैं, थोड़ा कोयले पे जो है हवा मार देते हैं पंखा से कि बढ़िया से तैयार हो जाए आग हमारी भूजने के लिए। इसमें लहसुन भी भूजेंगे और अदरक, हरी मिर्च, बैंगन, आलू, टमाटर सब इसी में भूजा जाएगा। तो दोस्तों सारा आइटम हमारा आ गया है। तो इसमें बैंगन भी हमारे पास है, 4 बैंगन है, आधा केजी है, और टमाटर एकदम देसी है, बड़े बड़े टमाटर है, हरी मिर्च भी है और अदरक है, लहसुन। लहसुन क्या करेंगे हम इसमें फंसाएंगे। तुम्हारा आ गया ये टमाटर और हम डाल देंगे इसमें, 3 टमाटर डालेंगे। आलू भी आ गई है, तो इसमें क्या करेंगे हम हल्का हल्का चीरा लगाएंगे और चीरा लगा के इसे देख लेंगे। ये देखिए, इसमें क्या करेंगे लहसुन को भरेंगे। इसके अंदर लहसुन जाएगा, तो लहसुन को इसी में भूजेंगे और हरी मिर्च को हम अलग से भूजेंगे। तो आप देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए। तो फटाफट हम सब लहसुन सारे बैगन में चीरा लगा के लगा देते हैं। ये जैसे लगे अंदर, तो करीब एक में हम 7-8 जगह लगाएंगे, अलग अलग जगह पे। ये इस तरह चीरा सब में हम लहसुन भर देते हैं। ये देखिए, बस थोड़ा सा अगर लहसुन ना जाए तो इसे हल्का से बड़ा कर दें। ये गया। तो इसी तरह हम सब में जो है तैयार कर लेते हैं, सारे बैगन में हम लहसुन डाल के रेडी कर लेते हैं। तो सारे बैगन में हम तैयार कर लिए हैं लहसुन डाल के, बीच बीच में लहसुन चीर के डाले हैं, सब में रेडी हो गया है। इसमें भी रेडी कर लिए हैं, इसमें दिख भी रहा है थोड़ा सा। तो चलते हैं इसको, पहले फटाफट बैगन और टमाटर को, हरी मिर्च को पहले सेकेंगे हम। तो सब सेकने की तैयारी करेंगे अब बैगन वगैरह को। रोटी तो चूल्हा बनाएंगे, पहले हम बैगन को और टमाटर वगैरह को भूजेंगे। तो आग हमारी एकदम हो गई है रेडी, अब बैगन को इसमें डालेंगे। तो आ गया बैगन, अब बैगन को आराम से रख रख के सेक लेते हैं। इसको फाड़ के देख भी लिए हैं कहीं कीड़ा वगैरह ना हो। ये देखिए, तो हरी मिर्च को और अदरक, मिर्ची को बहुत आराम से भूजना है। तो भूज लेते हैं, अभी थोड़ा जगह है। ये देखिए, तो बीच बीच में इसे डाल देते हैं मिर्ची को, हो जाएगा, मिर्ची भी हो जाएगी। ये मिर्ची को पलटना है बार बार, ताकि नहीं तो मिर्ची जो है जलने लगेगी। तो मिर्ची को पलट पलट के सेक लेते हैं बढ़िया से, जले ना मिर्ची, ताकि मिर्ची बहुत जल्दी हो जाती है। ये देखिए मिर्ची होने लगी हमारी। तो इसी तरह सेकना है हमको सब मिर्ची को। तो मिर्ची दखती भी है, इसलिए बहुत आराम से सेकना है इसको। मिर्ची भूज खाने में मज़ा आता है। ये देखिए अभी मिर्ची हमारी हो गई है, तो थोड़ा से किनारे कर देते हैं, जो ज़्यादा हो रही है उसको निकाल लेते हैं। देखिए ये हो गई है, इसको निकाल देते हैं, इसको भी थोड़ा सा डाल के सेक लेते हैं। ये देखिए, लो अदरक भी इस पर डाल देते हैं, अदरक भी हमारा थोड़ा सा रोस्ट हो जाए। ये भी मिर्ची रेडी हो रही है हमारी। मिर्ची जल्दी हो जाती है, वैसे भी तेल में फ्राई करें या कहीं भी करें तो बहुत जल्दी होता है मिर्ची। ये भी मिर्ची हो गई, इसको भी निकाल लेते हैं। 2 मिर्ची हमारी तैयार हो गई है, एक ये भी हो गई है। ये देखिए, इसको भी निकाल लेते हैं, ये भी हो गई है, ये भी हो गई है। तो मिर्ची हमारी सब हो गई है, 5 मिर्ची डाले थे। अदरक हमारी सेक रही है थोड़ा सा, कहाँ चली गई, इधर चली गई, आ जाओ इधर। अब टमाटर वमाटर देखते हैं धीरे धीरे, इसको भी आराम से सेकते हैं। है नहीं आ रहा भाई, आ जाओ बस। तो बैगन को देख लेते हैं एक बार, बैगन एक तरफ हो रहा है,
तो इधर इधर कर देते हैं बैगन को, इसको भी घुमा देते हैं बैगन को। देखिए बहुत बढ़िया खुशबू आ रही भोजने में। तो बैगन हमारा बढ़िया से सिक रहा है, देखिए कितना ज़बरदस्त बैगन सिक रहा है। तो ऐसे आराम आराम सेकेंगे, धीमी आँच है ये है अब हमारे पास। टमाटर के भी जो है, टमाटर हमारे चिमटम नहीं आ रहा है, ये देखिए इसको भी थोड़ा सा पलट देते हैं, इसको भी पलट देते हैं, ये देखिए। अदरक क्या हाल है इसको देखते हैं। बढ़िया सेक रहा है अदरक भी, तो ये जलेगा नहीं अब तक, ही आँच एकदम आराम से हो गया है, अब धीमे धीमे ये पकेगा। इसको भी घुमा देते थोड़ा सा एक बार, ये देखिए। तो इसको बढ़िया से भून लेते हैं, थोड़ा सा इसमें हवा लगा देते हैं, थोड़ा सा जो राखी वगैरह होगा तो उड़ जाएगी, ये देखिए ज़बरदस्त सिक रहा है हमारा बैगन और टमाटर। अभी आलू भी भूजना है, तो पहले इसको हम निकाल लेते हैं, आग हमारे थोड़ा नॉर्मल हो जाएगी तब आलू डालेंगे, नहीं तो आलू तुरंत जल जाती है ना। तो दोस्तों अदरक कोई नहीं भूजता है, मगर हम भूज के आज बना रहे हैं, सारा आइटम भूज के बनाएंगे। तो अदरक एक बार भूज करके चोखा बनाइए, ज़बरदस्त मज़ा आएगा खाने में। ये हरी मिर्च को भूजिए कितना ज़बरदस्त है। तो हरी मिर्च ऐसे ही दाल के साथ खा सकते हैं, सब्जी के साथ खा सकते हैं, या पकौड़ी पकौड़ा के साथ भी खा सकते हैं। इसको अभी चोखा में डालेंगे तो और मज़ा आएगा। फिर इसको भी भूज लिए हैं, देखिए कितना बढ़िया भूज रहा है हमारा ये अदरक। तो अदरक भूजने में मज़ा आएगा, एक बार इस तरह बनाइए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा बना है। देखिए पूरा आइटम बनाते हैं, अभी रोटी भी सेकना है चूल्हे पर, तो पहले इसको बैठ के आराम से भूजना है, धीमे धीमे से इसे घुमा घुमा के। टमाटर भी घुमा देते हैं एक बार, ये देखिए। तो ये अदरक भी हमारी हो गई है, देखिए भूज लिए हैं अदरक को, इसको रखते हैं मिर्ची के बगल में। ये हमारा आइटम हो गया है, अदरक और हरी मिर्च और लहसुन इसके साथ ही पक रहा है, किसमें बैगन में। तो बैगन भूजते रहेंगे, लहसुन भी हमारा पकता रहेगा और टमाटर भी। आलू बाद में डालेंगे, अभी आलू नहीं डाले हैं हम। तो पहले बैगन को भूजेंगे, उसके बाद आलू डालेंगे। ये वाला टमाटर हमारा रेडी हो गया है, ये देखिए इसको भी निकालते हैं साइड में। तो इसका क्या रंग है देख लेते हैं, ये भी हो गया, थोड़ा पलट देते हैं एक बार ऐसे। तो बैगन क्या रंग है इसका भी देखते हैं, बैगन भी ठीक ठाक चल रहा है, गरम है, चिमटा लगाना पड़ेगा। तो ये वाला भी टमाटर निकाल लेते हैं, ये भी हो गया है, इसमें राखी आ रहा है, इसको निकाल लेते हैं। ये भी रेडी हो गया है, इसको रखते हैं साइड में। ये वाला भी टमाटर रेडी हो गया है, इसको भी निकालते हैं। तो टमाटर हमारा हो गया है सब, अब सिर्फ रह गया बैगन और आलू। आलू भी बाद में डालेंगे हम, थोड़ा आँच कम हो जाए तब। तो दोस्तों बैगन जो हमारा हो गया है उसको निकाल लेते हैं, ये भी हो गया बैगन हमारा, इसको रखते हैं थाली में बगल में और बैगन को पलट देते हैं। ये भी हो गया है बैगन हमारा, इसको भी निकाल लेते हैं, इसका क्या हाल है इसको भी देखते हैं। थोड़ा सा हल्का से है, पलट देते हैं इसको। दो बैगन हो गया है, दो बैगन अभी बाकी है हमारा। तो दो बैगन बचा हुआ है, उसके बाद आलू डालेंगे हम अब। तो ये भी बैगन हमारा हो गया, इसको भी निकालते हैं, ये भी हो गया है, इसको भी निकाल लेते हैं अब। अब डालेंगे आलू, तो आग को थोड़ा फोड़ देते हैं, बाकी आलू भूजना है। तो इमली कोयला बना रहे हैं हम आज, तो आँच थोड़ा कम करेंगे अब। किस तरह कम करना है, इसको हवा मार देते हैं और थोड़ा सा आएगा, फिर राखी आ जाएगी इसमें। तो देखिए कितना आइटम हम भूज लिए हैं, टमाटर हो गया है, हरी मिर्च भी हो गया है, अदरक भी हो गया है और बैगन, इसके बीच में लहसुन भी है, इसको रखते हैं साइड में। अब हम भूजेंगे अपने ये रखे में आलू, आलू भूजते हैं। आलू भूजने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ताकि आग हमारी बहुत तेज़ है, इसमें व्यवस्था करते हैं। इसमें डालेंगे पाती, ये आम की पत्ती है, ये डाल देते हैं। इससे क्या होगा, हमारा आग कम हो जाएगा, अब ये जलेगा, उसके बाद इसमें राखी आएगी, उसी राखी में हम आलू भूजेंगे। अब थोड़ा पंखा मार देते हैं जल्दी जल जाए, जल्दी से जल गई हमारी, अब ये जो है जल के तुरंत ख़त्म भी हो जाएगी। ये पत्ती है, सूखी हुई पत्ती आम की।
इसलिए पत्ती बुझा भी दिए हम। और इसमें हो गई राखी, अब इसी राखी में हम आलू को डालेंगे, थोड़ा जगह बना देते हैं इसे। ये आ गई तो हल्का हल्का ऊपर से लगा देते हैं, इसको ढक देते हैं आलू को हम। तो आलू अभी हमारे जो है करीब 7 मिनट में हो जाएगी। तो आलू हम सब इसी आग में मूंद देते हैं। तो आ गए किचन में हम, इसको लेकर के इसको साफ करेंगे हम, टमाटर और बैगन। तो जो अदरक है हमारे, अदरक को थोड़ा सा जो भुजा हुआ अदरक है इसको साफ करते हैं, इसका छिलका वगैरह, इसको बारीक बारीक काटेंगे, एकदम भूज गया है। तो अदरक को कटिंग कर लेते हैं एकदम बारीक बारीक। ये देखिए चोखा हम डालने के लिए एकदम बारीक बारीक काटना है, ताकि ये पक भी गया है एकदम, जैसे आलू पकते हैं वैसे पक गया है। तो अदरक को हम काट लिए हैं और हरी मिर्च को थोड़ा सा काट देते हैं, एकदम पक गई है हरी मिर्च भी, देखिए हरी मिर्च को इसे काट देते हैं। बहुत बढ़िया स्वाद आएगा खाने में आज, ताकि सब पका पका के डाल रहे हैं इसमें हम। अब इसमें आइटम क्या क्या डालना है, वीडियो बने रही है, खुद ही देखिए इसमें क्या क्या डाल रहे हैं हम। तो ये हमारा हो गया रेडी, अदरक और हरी मिर्च को इसको रखते हैं साइड में। अब ये जो है टमाटर इधर छीला जा रहा है, अर्चना छील रही है टमाटर इधर, तो टमाटर छील के भगोले में रखेंगे हम। तो सारा टमाटर हम छील लेते हैं इसी तरह, दो छील लिए हैं, एक छीला जा रहा है। अब हमको बैगन भी छीलना है, तो बैगन को भी हम छीलते हैं फटाफट। तो ये टमाटर हम छील लिए हैं, इसको रखते हैं साइड में, अब हम बैगन को छीलेंगे। ये देखिए बैगन एकदम छिल जा रहा है बढ़िया से आराम से, ये देखिए छिलका उतर जा रहा है सब। तो सब छील लेते हैं हम जल्दी जल्दी से, ताकि आलू डाल के आए हैं अभी, आलू हमारी भूज रही है। तो पहले हम कहीं इसको रेडी हो गया, इसको हम छील ही लेते हैं, तो आलू भी निकालने जाना पड़ेगा हमको आग से। ये देखिए सब छिल जा रहा है एकदम, तो छिलका अलग अलग हो जा रहा है ये। इसको छील लेते हैं, हाँ ये देखिए एकदम छिल गया है। इसमें लहसुन भी हमारा एकदम पक गया है, डाल दीजिए इसमें। अब थोड़ा गर्म है ये, हमें बैगन भी गर्म है भाप हरा इसमें से। तो टमाटर पहले निकाले थे, टमाटर ठंडा हो गया था, ये देखिए छिल गया। अब इसमें काट देते हैं, देखिए ऊपर हटा देते हैं डंडी का, डंडी भी पक गई, बढ़िया पक गई है, तो कहीं हटाएं डाल दें सब। एकदम देखिए कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है। तो एक बचा है, इसको भी छील लेते हैं। तो ये देखिए टमाटर और इसमें सिर्फ बैगन ही डाले हैं, जो लहसुन इसमें डाले थे ये भी पक गया है एकदम ज़बरदस्त, ये देखिए एकदम पक गया है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पकी हुई जो भूज के रखे थे हरी मिर्च और अदरक को ये भी डाल देते हैं। ये भी हो गया। अब चलते हैं हम लाते हैं अपना आलू भूज के, ये भी रेडी हो गया है। अब इसमें प्याज वगैरह डालेंगे, धनिया वनिया पहले आलू डालने के बाद। इधर आलू भी भूज के ला लिए हैं और बारीक बारीक प्याज भी काट लिए हैं, जिसको रखते हैं साइड में, पहले आलू को छीला जाए। तो आलू एकदम छील लिए हैं भूज के, इसको डालेंगे आलू अपने चोखा में। तो सारी आलू हम फटाफट छील लेते हैं, और कितनी बढ़िया आलू छिला रही है, देखिए छिलका भी आ रहा है ये। तो डाल देते हैं इसमें सब, उसके बाद फिर इसमें आइटम डालते हैं, और पहले आलू को हम सब छील के डाल देते हैं। तो दोस्तों आलू भी हम डाल दिए हैं अपने चोखा में, ये देखिए इसमें अब जाएगा हरा धनिया, इसको बढ़िया से मिलाएंगे, हाथ से मिलाएंगे। तो हाथ धुल के बढ़िया साफ कर लिए हैं हाथ को, उसके बाद सब मिलाएंगे चोखा को, पहले फोड़ेंगे जैसे आलू वगैरह हो गया और टमाटर वगैरह, ये देखिए। तो पहले हम फोड़ लेते हैं अच्छे से, अभी प्याज नहीं मिलाएंगे, पहले एकदम मिला लेते हैं, उसके बाद इसमें नमक वगैरह और सरसों का तेल वगैरह डालेंगे। पहले एक बार सब जो है मिला देते हैं, सब ठंडा हो जाए, क्योंकि टमाटर पहले पका था, फिर बैगन पका था, फिर आलू, आलू अभी गर्म है, प्याज डालेंगे तो फिर प्याज में महक जाएगी। तो बढ़िया से मिलाते हैं, जो लहसुन पका है उसको भी बढ़िया से मिला मिला के मस्त एक चोखा तैयार करना है, उसके बाद इसमें फिर आइटम डालते हैं।
फरमा से इसलिए मिला रहे हैं ताकि जो लहसुन पका था बैगन के साथ में इसको बढ़िया से फोड़ दें। जो हरी मिर्च को पकाए थे उसको बढ़िया ढूंढ के, जैसे ये अभी मिल गए हमको हरी मिर्च, ये कहाँ गए, ये इसको भी मसल देते हैं। देखिए ये पक भी गई है, एकदम मसल दिए हैं, इसके साथ में बहुत ज़बरदस्त लगेगा, इसलिए हम जो है थोड़ा हाथ से काम कर रहे हैं। नहीं कभी भी चोखा बनाते हैं हम कलछी से मिलाते हैं, तो आज हम सब भूज के बना रहे हैं, इसलिए हमको हाथ लगाना पड़ रहा है ताकि इसको हमको फोड़ना पड़ेगा, हरी मिर्च वगैरह को जो भूज के रखे थे, जितना भी आइटम इसे भूजा पड़ा है सबको बढ़िया से मींजना है। देखिए ये हरी मिर्च जो काटे थे ये भी आ गई है भूजा हुआ, इसको भी मींज देते हैं, तभी मज़ा आएगा खाने में। तो जितना भी आइटम भूजा गया था, अदरक भूजा है उसको भी हाथ से देखिए फोड़ दे रहे हैं, कटिंग किए जो भूजा हुआ अदरक को उसको ढूंढ ढूंढ के मींजना है एकदम से, जितना भी मींजेगा उतना ही मज़ा आएगा खाने में फिर। तो इसलिए हमको आज हाथ लगाना पड़ा है, एकदम रेडी हो गया है, ये सब फोड़ दिए हैं। ये देखिए हरी मिर्च भी मिल गई हमको, जितना मिलेगी उतना फोड़ देंगे हम, ढूंढ ढूंढ के फोड़ेंगे। देखिए ये लहसुन मिल गया, इसको भी फोड़ेंगे, जितना आइटम है सब फोड़ना है, इसलिए हाथ लगा रहे हैं। लहसुन मिल गया, तो सबको बढ़िया से मिला देते हैं। अब चलते इसमें और आइटम डालते हैं, इसमें जाएगा थोड़ा सा काला नमक, उसके बाद इसमें जाएगा सादा नमक। तो सादा नमक स्वाद के हिसाब से डालना है, काला नमक भी डालना है ताकि वो भी नमक है। इसमें जाएगा सरसों का तेल, इसमें जाएगा बारीक कटी हुई प्याज, और बस एक बार इसको फिर से मिलाएंगे, प्याज और तेल और नमक को। इसको बढ़िया सब मिलाना है और अच्छे से, जैसे भी मिंज रहे थे उसी हिसाब से मिलाना है ताकि हर जगह तेल और नमक बढ़िया से पहुंच जाए। तो जितना मेहनत पहले किए थे उतना फिर से हमको करना पड़ेगा ताकि सब अलग अलग हो जाए, सब में तेल और फ्लेवर सब हर जगह पहुंच जाए। तो मस्त जो है सब अच्छे से मिला देते हैं। ये देखिए तो सब मिला दिए हैं, चोखा हमारा हो गया रेडी। अब चलते हैं रोटी सेकने के लिए, तो चोखा एकदम बन के रेडी हो गया है, ये देखिए। तो दोस्तों चोखा हमारा एकदम रेडी हो गया है, बाकी चलते हैं रोटी सेकने के लिए। तो रोटी सेकेंगे यार रचना, थोड़ा अंधेरा भी हो गया है, तो आटा भी एकदम रेडी हो गया, रोटी एकदम ज़बरदस्त बनाई जा रही है आज। ये देखिए मोटी मोटी, ये देखिए ज़बरदस्त, चूल्हा भी जल रहा है, तो मोटी मोटी रोटी भी खाएंगे और चोखा के साथ में। रोटी हो तो इस तरह तभी खाने में मज़ा आएगा, गांव का खाना खाने में बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो ज़बरदस्त रोटी हमारी फूल रही है चूल्हे की, ये देखिए बलून जैसा है। आ गई रोटी एकदम फुली फुली, पचाएंगे नहीं अभी इसको, जो है इसमें लगाएंगे बटर, इसमें बटर डालेंगे बढ़िया से, नहला देना इसको बटर से बढ़िया से। ये देखिए तो ये देखिए ज़बरदस्त लगा दिए हैं, देखा था एकदम जम गया है। ये देखिए अब इसको चलते हैं खाने के लिए, इसको थोड़ा सा दबा दिए हैं, ये देखिए इसमें बटर ज़्यादा लगाए हैं ना इसलिए, इसको तोड़ेंगे अब खाएंगे ज़बरदस्त। थोड़ा घी में लगाएंगे इस तरह जो बटर लगाए थे, उसके बाद चोखा, ये देखिए एकदम देसी खाना। तो मज़ा आ रहा है खाने में, तो ये मोटी मोटी रोटी है, हरी मिर्च भी मिल गई है इसमें, ये देखिए। जो अदरक का भूजे हैं उसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आ रहा है चोखा में, ताकि चोखा ज़बरदस्त बना है, सब कुछ भूजा गया इसमें ना, अदरक जो आ रहा है मुंह में वो भूजा हुआ अदरक,
का स्वाद बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। अदरक जो है कोई भूसता नहीं, हम भूस के डाले हैं, उसमें थोड़ा सा पका है, उसका स्वाद बहुत बढ़िया आ रहा है, तो मज़ा आ रहा है खाने में, हल्का देसी खाना। टेस्ट बहुत बढ़ गया, ताकि सब कुछ भूजा गया है इसमें, जो हरी मिर्च का जो फ्लेवर आ रहा है ना भूजा भूजा, उसका जवाब ही नहीं है, सबका जवाब नहीं है, ताकि सब चीज़ भूजे हैं, ज़बरदस्त है। तो रोटी ख़त्म कर दिए, एक रोटी मारे हैं, मोटी रोटी थी, तो चलते हैं एक रोटी और लाते हैं हम।